उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से मंदिर में शादी कर ली। लड़की का नाम मोमिन खातून है। उसने सूरत से शादी की है। विवाह के समय लड़के के परिवार वाले और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने भी नवदंपती से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। शादी 14 जुलाई 2022 को हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला अतरौलिया थाना क्षेत्र का है। फतेह गांव के सूरज और हदरपुर की मोमिन खातून के बीच लगभग 2 साल से प्रेम संबंध था। जब दोनों के रिश्ते की जानकारी परिवार वालों को हुई तो मोमिन के घर वालों ने सूरज को इस्लाम कबूलने के लिए कहा। सूरज ने इससे इनकार कर दिया। आखिरकार मोमिन खातून ने किसी भी हाल में सूरज से शादी करने की ठानी और दोनों ने अतरौलिया के एक मंदिर में शादी कर ली। मीडिया से बात करते हुए सूरज ने कहा, हम अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी कर रहे हैं। इस शादी के दौरान सूरज के परिवार वाले मौजूद रहे। इस दौरान वेद मंत्रों के बीच सूरज और मोमिन के एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और फेरे लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोमिन ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की और वो खुश रहना चाहती है। अतरौलिया थाने के SHO इंस्पेक्टर रुद्रभान पांडे ने भी नवदंपति से मुलाकात की और आश्रय बताया है कि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़ के पदाधिकारी गौरव सिंह ने ऑप इंडिया से बात करते हुए कहा कि मोमिन खातून सनातन धर्म में आई है, उनका स्वागत है। मोमिन के घर वालों ने सूरज पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया था, लेकिन खुद मोमिन ने हिंदू बनकर शादी करने की रजामंदी जताई। ऐसी बहन का हम सम्मान करते हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार नवदंपति को कट्टरपंथियों से खतरा देखते हुए गौरव सिंह ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली है। सूरज और मोमिन खातून का निकाह कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को रास नहीं आ रहा है। हालत हाल टीवी नाम के YouTube चैनल पर शेयर हुए 2:11 के वीडियो में 1:18 पर मोमिन को दिन ए इस्लाम छोड़ने पर नसीहत दी गई है और उसके विवाह को बगावत कहा गया है। इसी के साथ वीडियो में कुरान हदीस की चर्चा करते हुए लड़की को इस्लाम से हमेशा के लिए खारिज करते हुए उसके अब्बा पर अफसोस जताया गया। आतंकवाद और फिराक परस्ती से लड़ने का दावा करके बनी युवा मुस्लिम परिषद NRI कमेटी के सदस्य मोहम्मद अफजल ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, आज भी जहालत में डूबे हुए बेशुमार मुसलमान जागने को तैयार नहीं है और अपनी लड़कियों को आंखों के सामने जन्नुम में जाता देखकर भी उनकी ना गैरत जाग रही है ना ईमान। अल्लाह ऐसी कौम को ऐसे ही जलील करेगा जो अपने रब के हुकूमों को भूल कर बेहाई और गुमराही को अपना रास्ता बना चुकी है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।